एक मुस्लिम लड़की ने गुहार लगाई और मोदी उसके लिए मसीहा बन गए। मोदी ने सारा नाम की इस लड़की के लिए जो किया वो सारा जिंदगी भर याद रखेगी। चलिए बताते हैं आपको कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कर्नाटक के मांड्या में रहने वाली 21 साल की सारा पढ़ने में होशियार थी और MBA करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता अब्दुल इलियास की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उसे MBA करा पाते। ऐसे में सारा ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ से भी उसे पिता की आर्थिक स्थिति और पहले से चल रहे लोन को ना चुका सकने के कारण पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया गया। सारा के सामने कोई रास्ता नहीं था। सारा निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए सीधे देश के PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र करते हुए मदद मांगी। सारा को शायद उम्मीद थी कि उसके चिट्ठी का जवाब तक नहीं आएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। PM मोदी ने तुरंत इस चिट्ठी पर ध्यान दिया और कार्यालय ने तत्काल एक्शन लेते हुए कर्नाटक के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सारा को लोन दिलाने में मदद करने का आदेश दिया। फिलहाल PMO के आदेश के बाद सारा को विजया बैंक से एजुकेशन लोन मिल गया है। सारा खुश है। सारा को उम्मीद है कि एजुकेशन लोन के बाद अब वो अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। सारा और उसके परिवार ने PM मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।